फायर का काम करते हैं ना, किसी जेल साहब तो नहीं कह सकता ना। हाँ जी, तो मैं चलूं फिर, मेरी नौकरी पक्की। बकवास बंद करो, निकलो बाहर। अगला कंटेस्टेंट बाहर भेजो। बसंत जी फायर ब्रिगेड वालों के सामने मत नाचना। नेक्स्ट। कैसे बने, इस लाइन में कैसे बने आप?
ये लाइव है देखो मेरे को बचपन में ही पता चल गया था मेरे पेरेंट्स को कि मैंने टर्न करना मेरी हैंडराइटिंग देख के हैंडराइटिंग देख के पता चल गया था हैंडराइटिंग देख के पता चल गया कि आप डॉक्टर हैं। अक्सर मैंने सुना है कि आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आप पेशेंट्स का कपड़ों के साथ ही एक्सरे ले लेते हैं। किसी को नजर क्यों कर रही है कपड़े लिए क्यों चले गए कपड़े उतारने इसका कोई कारण तो होगा ना क्यों मतलब फिर मैं कपड़े पहना के एक्सरे करता हूँ बस उसके पेशेंट की जेब होती है पता चलता कितने पैसे है पैसे है तो फिर मैं इलाज करता हूँ उसका। हाँ जी चंडीगढ़ चंडीगढ़ के लोग बड़े चंगे नहीं हैं बच्चे छोटा सा शहर है टाइम होता नहीं लोगों को पर टाइम बहुत सारा होता है एक कदम के बाद दूसरे कदम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो ये बंदा वेख रहा है ये चाली चाली मिनट लोगों ने वेख लेता जी सड़क पे पड़े थे ना। हाँ जी की कह रहे थे ये पेशेंट है मैं आपके सामने लाई हूँ ये ऊपर से नीचे तक पकड़ है जिस प्रॉब्लम है सब इसी के सबसे ऊपर देखिए इसके बाल गिर रहे हैं। अच्छा बाल गिरते हैं जी तो ढालिया करो तुम्हारे अपने बाल चोरी के बाल मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है नजर में जी दिखाई नहीं देता। अच्छा अच्छा दूर का दिखाई नहीं देता भगवान ने कहा दिए तो पास जाकर देख रहे हैं पीले ना ब्राउन टाइल आएगा मैचिंग करेगा। हाँ जी हाँ जी पेट इसका ठीक कर देंगे जी हाइट 2 फीट छोटी हो जाएगी पेट काट देंगे जी इसका पेटों के बाद टाके शुरू हो जाएगी एक दिन के बाद अच्छा सर देखो टेस्ट अच्छा तो ये पकड़ो ईयर टेस्ट करना पड़ेगा ये ईयर कान तो ठीक है पेट और बाकी चीजों से ईयर का क्या लेना आपने उंगली कान वाली पकड़ी है ना अच्छा पेट की उंगली ये थी नहीं यही तो गेम है एक बार ही पकड़ सकते हैं दोबारा नहीं पकड़ सकते। थैंक यू सुनता मैम थैंक यू सो मच थैंक यू माय फ्रेंड थैंक यू सो मच थैंक यू चंडीगढ़ बीच में तुम्हारे